Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our first lecture with English literature. Open your books and copies. Page number 68, unit number 8, Moise likes reading. First of all, we will discuss words to know. Frightened, to be afraid of something. किसी चीज से डरना. ये वर्ड्स हम इसलिए इनके मीनिंग्स देख रहे हैं क्योंकि ये वर्ड्स चैप्टर से रेलिवेंट हैं. आपको इसके मीनिंग आगे जाके डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ. फ्राइटन का मीनिंग है डरना, किसी चीज़ से डरना. जैसे बिल्ली से कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ डॉगी से डर जाते हैं, कुछ चूहे से डर जाते हैं, इस तरह से. सेकेंड वर्ड इज़ इंटरेस्टिंग, कैचिंग द अटेंशन. किसी चीज़ पे आपकी अटेंशन कैच करना. जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, ही इज़ रीडिंग द बुक. इनकी अटेंशन फुल ऑन बुक पर है. इट्स मीन ही इज़ इंटरेस्टेड इन दिस बुक. ओके, Now we are going to start the reading. The room was very quiet. Moise turned the page of his book. The book was large. It had many colorful pictures in it. खामोशी थी कमरे में. मोइस ने अपने बुक्स के पेजेस टर्न करना शुरू किए. लाइक ही वॉज जस्ट रीडिंग द बुक. बुक काफ़ी मोटी थी. बुक में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल पेजेस थे. ओके, ही वॉज रीडिंग द बुक एंड द बुक इज़ फुल ऑफ कलरफुल पिक्चर्स. There are only 3 pages left, said Moise to himself. Moise ने अपने आप से कहा सिर्फ 3 pages रह गए हैं books के. How sad! After a few minutes, Moise came to the last page. Moise के book का last page आ गया. Moise ने book complete कर दी. Whoa! That was an interesting book, said Moise. Moise ने कहा book बहुत मज़े की थी, बहुत interesting थी. He closed the book and got up. He turned the book to the shelf. उसने बुक शेल्फ में वापस रख दी. एज यू कैन सी देर आर मैनी शेल्फ इन दिस रूम. और कबर्स बनी हुई हैं. उन्होंने बुक रीड की और शेल्फ में वापस रख दी. देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल. फिर उन्होंने वॉल पे लगी हुई क्लॉक की तरफ देखा. द क्लॉक टोल्ड हिम इट वॉज 10:05. क्लॉक पर जो टाइम था वो 5:10 हो रहे थे. ओह डियर, क्राइड मोइस. मोइस ने कहा ओ माई गॉड, ये क्या हो गया. हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ. आई हैव मिस्ड माई बस. उसकी बस का टाइम गुजर चुका था. मे बी टाइम 5:00 का हो, आगे जाके पता चलेगा, पर उनका टाइम गुजर चुका था. इधर तक हम लोग रीडिंग करेंगे आज. नाउ वी आर गोइंग टू, इधर आप डेट मैंशन करें 30/11/2020. Now we are going to start the dictation words. थोड़ा सा writing pattern भी होना चाहिए आपके साथ, writing work भी होना चाहिए, written work वो हम करेंगे. Okay. Now open your copies. Mention the date and day. 30th November 2020 and Monday. Classwork. Unit number 8. Lesson number 1. Moise likes reading. As it is, आप pencil से करेंगे. As you know, I have this pencil. जस्ट यहाँ पे डार्क नजर आए इसलिए मैंने कलर्स यूज किए हैं. यू हैव टू राइट ऑल द वर्क विद द पेंसिल. डिक्टेशन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज फ्यू, एफ ई डब्ल्यू फ्यू. सेकेंड इज लार्ज, एल ए आर जी ई लार्ज. थर्ड वर्ड इज पिक्चर्स, पी आई सी टी यू आर ई एस पिक्चर्स. फोर्थ वर्ड इज कलर, सी ओ एल ओ यू आर कलर. Fifth word is library, library. Thank you so much. Must do that work. Allah Hafiz.